गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसके प्रमुख शहरों के बारे में हमने कल पढ़ा था, केवल नाम जाने थे। और आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता रही है, किन विशेषताओं के कारण उसको इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, तो उन विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। पहली विशेषता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत खास बनाती है, वो थी उनकी सुनियोजित नगर नियोजन। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले हुए नगर हैं, वो उनकी जो नियोजन किया गया था, उनकी जो प्लानिंग की गई थी, उनको जिस ढंग से बसाया गया था, वो वेल प्लान्ड और वेल मैनर्ड तरीके से सारे के सारे घर, स्कूल, अस्पताल और भी जन उपयोगी जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सभी को वेल मैनर्ड तरीके से व्यवस्थित किया गया था। तो उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, आइए देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण व्यवस्था थी इसकी सुनियोजित नगर नियोजन में, दो भागों में बटा हुआ शहर था, जिसका पश्चिमी हिस्सा किलेबंद और पूर्वी हिस्सा खुला हुआ होता था। यानी कि पश्चिम दिशा में चार दीवारियों से बना हुआ किला होता था, या फिर कह सकते हैं कि लोग पश्चिम दिशा में अपना घर बनाकर रहते थे, और उनके आगे का जो हिस्सा था, पूर्वी जो हिस्सा था, वो खुला हुआ रहता था। ग्रिड शैली में बसावट, जिसमें सड़कें एक दूसरे को संपौर्ण में काटते हैं। ग्रिड शैली का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम कॉलोनियों को देखें, तो जो सड़कें हैं, चौराहा है, चौराहे पर सड़कें 90 डिग्री के कोण बनाते हुए मिलनी चाहिए। ग्रिड शैली का मतलब होता है बॉक्सेस में, आयताकार खंडों में कॉलोनियाँ बनी हुई थी। जल निकासी की विलक्षण व्यवस्था, गंदे पानी की निकास हेतु छोटी बड़ी तथा गहरी नालियों की समुचित व्यवस्था की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति जागरूक थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जल के उचित निकास की व्यवस्थाएँ की। उसके लिए जगह के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार छोटी नालियाँ, बड़ी नालियाँ और गहरी नालियों की समुचित व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। और एक समान आकार की पकी हुई ईंटें, जो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि मकान बनाने के लिए समान आकार की अच्छी डिज़ाइन वाली ईंटों का प्रयोग किया जाता, तो उसी प्रकार की या फिर उससे भी अच्छी क्वालिटी की पकी हुई ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो विभिन्न नगर मिले हैं, उनकी खुदाई में ऐसी ईंटें मिली हैं, जिनसे पता लगता है कि यहाँ पर नगर नियोजन की व्यवस्था में पक्की ईंटों का प्रयोग घर बनाने के लिए या फिर विभिन्न सामाजिक भवन या निजी भवन बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो पहली व्यवस्था थी इसकी सुनियोजित नगर नियोजन व्यवस्था, जिसमें शहर दो भागों में बटा हुआ होता था, पश्चिम भाग में किला बना हुआ होता था और पूर्वी भाग खुला रहता था। सड़कें ग्रिड शैली में पाई गई हैं, कॉलोनियाँ आयताकार खंडों में होती थी, सड़कें मिलने पर समकोण बनाती हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर चौराहों पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। जल निकासी की बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था की गई थी, छोटी बड़ी और गहरी नालियाँ बनाई गई थी, एक समान आकार के पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये थी सुनियोजित नगर नियोजन व्यवस्था, पहली इसकी बहुत ही विशेष व्यवस्था थी सुनियोजित नगर नियोजन व्यवस्था। दूसरा, वृहद अन्नागार, अन्न का खेती होने के बाद उसके भंडारण हेतु अन्नागार बनाए गए थे, जो कि खुदाई से पता लगा है कि यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली मौजूद थी। यानी कि जब किसान छोटे छोटे रूप में खेती करते थे, उन सभी की जो उपज होती थी, खेती की उपज होती थी, उसको वहाँ की स्थानीय सत्ता के द्वारा सार्वजनिक अन्नागार में रखा जाता था, और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उसका वितरण किया जाता था। तो यहाँ पर विशाल अन्नागारों के अवशेष प्राप्त हुए। सार्वजनिक स्नानागार, सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर सार्वजनिक स्नानागार पाया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये 54 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और था, जिसमें 39x23x8 फीट, यानी कि 11.89x7.01x2.43 मीटर की कुंड बना हुआ है, और कुंड के चारों तरफ चबूतरे बने हुए हैं, जिसके लिए लोग कपड़े धोने और नहाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। तो सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके बाद में सिंधु घाटी जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब है कि यहाँ की परिवार की मुखिया महिलाएं होती। सिंधु भाषी जो लोग थे, वो मृतक के पैर दक्षिण दिशा में रखकर गाड़ते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनके अंदर
इंसान को मरने के पश्चात गाड़ने की प्रथा थी, और गाड़ते समय वो विशेष ध्यान रखते थे कि मृतक के पैर दक्षिण दिशा की ओर रहें। शिकार करना मनोरंजन का प्रमुख साधन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का माना गया है, और बैलगाड़ी यहाँ का यातायात का प्रमुख साधन था। सिंधुवासी जो लोग थे उनको लिपि, लेखन के लिए जो लिपि प्रयोग में लाई जाती है, जैसे आजकल देवनागरी लिपि में हिंदी और संस्कृत भाषा लिखी जाती है, उसी तरह से सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको भी लिपि का ज्ञान था। और ये जो लिपि लिखते थे, इनकी पहली लाइन दाईं से बाईं ओर और दूसरी लाइन बाईं से दाईं ओर, इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता था, दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार से इनकी लिपि लिखी जाती थी। बीबी लाल ने से जो इनकी लिपि थी उसे बुस्ट्रोफेदम, क्या नाम दिया है, बुस्ट्रोफेदम नाम दिया है इनकी लिपि को। और यह लिपि प्राकृत भाषा में लिखी होने के कारण अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि इनकी भाषा क्या रही थी, क्या था, उसको समझने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश जारी है। सिंधु वासियों को प्रारंभ में लोहे की जानकारी नहीं थी। अब कृषि किस प्रकार की जाती थी वहाँ पर, गेहूँ और जौ दो प्रमुख फसलें थी जो कि वहाँ का प्रमुख खाद्यान्न थी, गेहूँ और जौ। लोथल जो जगह है खुदाई में, जो लोथल नामक जगह मिली है, उस लोथल जगह से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं, कपास की खेती के भी आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कि अगर पूरी दुनिया में जुते हुए खेत का कोई सबसे प्राचीनतम नमूना कहीं से प्राप्त हुआ है तो वह है कालीबंगा नामक स्थान से। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हल की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो कृषि कार्यों में कुदाल का प्रयोग आवश्यक रूप से करते थे। पशुपालन, यहाँ के लोग बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली मुख्य रूप से पालतू पशुओं में रखते थे, और इसके अलावा वो भैंस, गाय, हाथी, गधे, सुअर और गैंडे से भी परिचित थे। कुबड़ वाला बैल यहाँ के लिए पूजनीय माना गया है, यहाँ के लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे, जैसे भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, तो उसी का कोई रूप कुबड़ वाला बैल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। घोड़े के कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में नहीं मिले हैं, यानी कि घोड़ा वहाँ पर था या नहीं था इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। कला के क्षेत्र में यहाँ पर बहुसंख्यक गुलाबी रंग के मृदभान प्राप्त हुए हैं। मृदभान का मतलब है मिट्टी के बर्तन जिन पर लाल और काले रंग के चित्र बने हुए हैं। सील, यहाँ पर जो सील है, सील खड़ी स्टेटाइट की बनी हुई मूर्तें, वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। सील कैसी होती थी, चौकोर वर्गाकार सीलें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कुछ सीलें हाथी दांत की भी बनी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध सील पशुपति की सील है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी, एक डांस करती हुई महिला नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और इसमें जूड़ो बांधे हुए एक युवती डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है। व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, तो उनका जो व्यापार का माध्यम होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना और जरूरत की वस्तु प्राप्त करना यहाँ का प्रमुख विधि थी व्यापार करने की। व्यापार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था, यहाँ पर कपास, गेहूँ, गन्ना, हाथीदांत आदि का निर्यात किया जाता था, यानी कि ये कपास, गेहूँ, गन्ना और हाथीदांत ये यहाँ के प्रमुख निर्यातक वस्तुएँ थी। इसके प्रमाण मेसोपोटामिया क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पा की सीलें और अभिलेख, यानी कि मेसोपोटामिया जो मिस्र का भूभाग है, प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, उसके अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें और अभिलेख मिलना इस बात का प्रमाण करता है कि ये लोग इन वस्तुओं को निर्यात करते थे, यानी कि विदेशी व्यापार तब होता था। सिंधुवासी तांबा, गणेश्वर जो वर्तमान में राजस्थान है वहाँ से मंगाते थे, सोना, कोलार दक्षिण भारत से मंगाते थे, और लकड़ी कश्मीर से मंगाते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं का आयात दक्षिण और पूर्वी भारत, कश्मीर, कर्नाटक, नीलगिरी, मध्य एशिया के क्षेत्रों से किया जाता था। क्रय विक्रय
कि प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा। धर्म, धर्म के बात करें तो यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जैसे वर्तमान में हम आदिशक्ति दुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्रों के व्रत रखते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। लिंग पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा, पशु पूजा, कुबड़ बैलयुक्त, जो बैल कुबड़ युक्त होता था उसकी पूजा, वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा में पीपल का वृक्ष और अग्नि पूजा के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड की प्राप्ति हुई है, जिससे ये पता लगता है कि ये लोग हवन आदि क्रियाएं करते होंगे। अवसान, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से नष्ट हुई, अवसान का मतलब इसके पतन के क्या कारण रहे, इस संदर्भ में विद्वानों के दो मत हैं। पहला मत है यकायक, यकायक का मतलब है किसी आकस्मिक प्राकृतिक दुर्घटना के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर बढ़ गई या फिर नष्ट हो गई। इसके अंतर्गत मार्टीसर व्हीलर का मत है कि आर्यों ने आक्रमण करके इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। दोस्तों जानकारी के बताना चाहूँगा, आर्यों के संदर्भ में पूरे विश्व में विभिन्न मत हैं। आर्य कहाँ से भारत आए थे, इनका मूल निवास क्या था, इसके संदर्भ में पश्चिमी विद्वान और भारतीय विद्वानों के बीच में बहुत ही बड़े मतभेद हैं। वास्तव में आर्यों का मूल स्थान भारत ही था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपों और कूटनीतियों के कारण ये बताया जाता है कि आर्य यूरोप या मध्य एशिया या फिर आर्कटिक से भारत में आए थे और भारत के मूल निवासियों पर उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि आर्य यहाँ के सदैव से मूल निवासी थे। तो मार्टिन मिलर कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। क्रमिक अवसान, क्रमिक अवसान का मतलब है कि धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ना। ओरल स्टीन नाम के व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी कि वहाँ के वातावरण में, तात्कालिक वातावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन आए होंगे जिनको कि वहाँ की जनता, वहाँ के मानव और जीव जंतु सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण धीरे धीरे कोई महामारी आ जाना, किसी प्रकार का और प्राकृतिक प्रकोप आना, जिससे धीरे 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 करके वहाँ की सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान भारत को क्या देन रही है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पूर्वज सभ्यता है और मानव इतिहास की सबसे प्रथम सभ्यता मानी गई है और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है, तो उस सभ्यता की भारत को क्या देन है। 16 के गुणज में विभक्त पैमाना, यानी कि जैसे 16 आने, 16 के गुणज में कोई भी माप की इकाई, वो पैमाना हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। हल्का प्रयोग और जुताई, यानी कि खेती करने के लिए कुदाल और हल्का प्रयोग जो है उसकी देन भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें मिली है। दक्षिण भारत में आज भी इसी शैली से खेती की जाती है। केश विन्यास, यानी कि जूड़ा बनाने की जो कला है, स्त्रियों के सौंदर्य में बालों को संवारने के लिए जो जूड़ा बनाने की जो क्रिया है, वो जूड़ा बनाने का तरीका, जूड़ा बनाने की विधि सर्वप्रथम हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। धार्मिक स्वभाव, धार्मिक प्रभाव या धार्मिक स्वभाव लोगों का, जैसे कि मातृ देवी की पूजा, पशुपति यानी कि शिव भगवान की पूजा, वृक्ष पूजा में पीपल पूजा, पशु पूजा, लिंग पूजा आज भी प्रचलन में है। तो दोस्तों हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं जानी, सिंधु घाटी सभ्यता के 8 प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा, और सिंधु घाटी सभ्यता का मानव इतिहास में स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये एक सुनियोजित वैज्ञानिक ढंग से बसी हुई एक सभ्यता थी, जिसमें मानव को हर प्रकार की जीवन शैली, रहन सहन, भौतिक सुख सुविधाएँ, आध्यात्मिक चेतन, इन सभी के बारे में व्यवस्थित ढंग से बताया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक जो नॉलेज है वो इतना ही है, और उसके बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि खुदाई में विभिन्न स्थानों से हमें क्या प्राप्त हुआ है और उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया गया है। तो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।